रहा है कि आपके बेटा तीसरा स्थान लाए पूरे बिहार में 1275 दरोगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे को अपना पढ़ा नहीं पाते उनको? वो नहीं पढ़ा पाते हैं, पैसा देखते हैं, हम पैसा नहीं देखते, हम सोचते हैं पढ़ा के बाल बच्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत खुशी की बात है, हाँ पूरे बिहार में मेरा बच्चा तीसरा रैंक लाया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है हम लोग पूरे परिवार। जैसे कि मतलब इनके बारे में सुने सर कि पहले ग्रुप डी में इनका हुआ, उसके बाद में देखिए दरोगा बने, तीसरा स्थान लाए। दीपक सर जो मतलब दरोगा जो हुए, इनका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ था? शुरुआती जी यहीं से हुआ, सिलाव से हुआ है। कोई है कि थोड़ा सा देखते हैं कि कमाने लायक हो गया, उसको दुकान खुलवा देते हैं, ये करवा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हम सोचा कि आधा रोटी खाएंगे लेकिन हम बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। हमारे घर का बस एक ही स्लोगन है, नून रोटी खाएंगे लेकिन घर में सभी को पढ़ाएंगे। बस यही, मम्मी पापा पूरे तरह से हम लोग को फ्री हैंड दे देते हैं कि आप लोग ना दुकान चढ़िए ना कोई काम करिए, बस आप पढ़ाई करिए। मेरे भैया बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और सेल्फ स्टडी कर वो अच्छा बिहार में SI 1275 में तीसरा रैंक प्राप्त किए हैं। मैं भी उसी के उन्हीं की तरह मेहनत करेंगे और मैं भी सफलता पाऊंगा। ट्रेनिंग के लिए निकल रहे हैं सर, देखिए ट्रेनिंग के लिए निकलते निकलते यहाँ पर आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है इनको खुशी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब मेन तो यही होता है अपनों की खुशी, और उन्हें जब गर्व और खुशी मिलता है उससे बड़ा क्या हो सकता है। कैसा लग रहा है कि मतलब कि भैया 1275 सीट में तीसरा स्थान ले आए? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका मेहनत रंग लाया, दिन रात एक कर देते थे। मेंस का एग्जाम का टाइम मुझे याद है कि सोने और खाने के अलावा जो भी टाइम रहता था बाकी सब पढ़ाई में ही लगा देते पूरा टाइम। अच्छा, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो मतलब शादी ब्याह को लेकर सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा दिया, नौकरी हो गया, मोटा मतलब दहेज देंगे। आप लोग ऐसा सोचते हैं दहेज के बारे में सोचते? जी नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, हम अच्छा परिवार सोचते हैं। हाँ, दहेज के मतलब दहेज उतना कोई मायने नहीं, नहीं कोई मायने नहीं रखता है। इतने सीधे साधे लग रहे हैं, खैर ट्रेनिंग के बाद तो मतलब थोड़ा सा इनके अंदर ब्याह भी जाएगा, थोड़ा सा जो पुलिस का रुतबा होता है, लेकिन अभी सर इतने सिंपल है, महसूस नहीं हो रहा है कि हम दरोगा के साथ खड़े हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिला के सिलाव में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो 1275 सीट आया था दरोगा का, उसका अभी देखिए नियुक्ति पत्र बैठा है बापू सभागार में, उसी में तीसरा स्थान पर लाए हैं वो सर हैं और उनके परिवार वाले लोग हैं। सर से बातचीत किए हैं, उनके परिवार के लोगों से जानना चाहेंगे, उनके माता पिता से जानना चाहेंगे, उनके भाई से जानना चाहेंगे किस तरह से सर का मतलब संघर्ष रहा कि आज देखिए तीसरा स्थान ले आए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। हाँ सर, थैंक यू जी। जैसा कि आप इनके पिता जी हुए मतलब पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाए, तो कैसा महसूस हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व की बात है। हमने बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा दिया और अच्छा रास्ता पे ले गए, इसीलिए वो अच्छा काम किया और तीसरा रैंक लाया। आप संघर्ष किए खुद और बच्चों को इस लायक बनाए गया तीसरा स्थान ले आए, इसके लिए किनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी जी, बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा दिए, आज तक हम दुकान नहीं देखने दिए और न इस काम में लाने दिए कभी, ठीक है। कैसा लग रहा है सर क्या तीसरा स्थान ले आए हैं? मतलब बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, हाँ पूरे बिहार में मेरा बच्चा तीसरा रैंक लाया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है हम लोग पूरे परिवार। जैसे कि मतलब इनके बारे में सुने सर कि पहले ग्रुप डी में इनका हुआ, उसके बाद में देखिए दरोगा बने, तीसरा स्थान लाए, तो आगे क्या भगवान से शुभकामना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि आगे इनको किस पद पर देखना चाहते हैं? ये तो UPSC की तैयारी कर लेगा, अब माथी SP DM बन जाएगा ये। आपको मतलब उम्मीद है? पूरा विश्वास है, हाँ ये करेंट अच्छी है, मतलब लगनशील लड़का है, इसमें कोई शक नहीं। तीन लड़के हैं, तीन लड़के में मतलब बड़े लड़के हुए जो मतलब तीसरा स्थान लाए हैं और दोनों ही मतलब तैयारी कर रहे हैं, मतलब सभी बच्चों से आपको पूरा उम्मीद है? हाँ पूरा, बहुत अच्छा। तीनों कितना संघर्ष करना पड़ा सर आपको मतलब इनको पढ़ाने में? बहुत संघर्ष किए सर, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा निकला और तीनों बच्चा मेरा कंपटीशन में बहुत अच्छा कर रहा है। कहा जाता है सर कि माता पिता जो होते हैं मतलब एक बच्चों का छत होते हैं, माता पिता पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर माता पिता का साया हट जाता है तो बच्चे उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाते सर, कहीं ना कहीं आप लोग का ही बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी, तो बात सही है, बाल बच्चा को जब तक हेल्प नहीं मिलता है, माता पिता का श्रेणी नहीं मिलता है, तो आगे नहीं डेवलप करता है, हाँ यही सब है। और मतलब कि हम लोग अच्छा काम किए कि जो कि बाल बच्चा को शिक्षा की राह पर ले गए। हाँ अपने आगे जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चों पर पहले ही मतलब दबाव डालते हैं कमाने वाने के लिए, उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? उन लोग देखिए जो जैसा परिस्थिति में गुजरते हैं उस हिसाब से करते हैं, है ना, तो कोई है कि अपना रिस्क लेते हैं, कोई है कि थोड़ा सा देखते हैं कि कमाने लायक हो गया, उसको दुकान खुलवा देते हैं, ये करवा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हम सोचा कि आधा रोटी खाएंगे लेकिन हम बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, यही मतलब संदेश देना चाहते हैं लोगों को। जी जी सर, दीपक सर जो मतलब दरोगा जो हुए, इनका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ था? शुरुआती जी यहीं से हुआ, सिलाव से हुआ, श्री गांधी हाँ उच्च विद्यालय से। मतलब ज्यादा कोचिंग ट्यूशन मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी ज्यादा है? जी जी बहुत, हाँ बहुत मेहनत किया लड़का, बहुत मेहनत पढ़ा, मतलब बचपन से ही पढ़ने में लगनशील थे शुरू से, मतलब क्लास में भी जाता था तो उसका टारगेट यही रहता था कि वो लड़का हमसे क्यों आगे बढ़े, हम उससे आगे बढ़ के दिखाएंगे, मतलब आगे मेहनत करके हम बढ़ के दिखाएंगे। यहाँ पर माता जी हैं, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल।
कैसा लग रहा है कि आपके बेटा तीसरा स्थान लाए पूरे बिहार में 1275 दरोगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे को अपना पढ़ा नहीं पाते उनको? वो नहीं पढ़ा पाते हैं, पैसा देखते हैं, हम पैसा नहीं देखे, हम सोचते हैं पढ़ा के बाल बच्चे आगे बढ़ाएंगे। हाँ। अपने आप में एक मोटिवेशन है कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ा के जिस काबिल बनाएं कि पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाएं। हाँ, हम बहुत गरीबी से गुजरे हैं लेकिन बच्चा को पढ़ाएं। और दो बच्चे भी आपके मतलब साथ में हैं, तो इन लोग को भी क्या मतलब चाहते हैं कि इन लोग भी मतलब इनके जैसा बनाएं? हाँ, इनके जैसा बनाएं। देखिए यहाँ पर भी इनका लगता है छोटे वाले भाई हैं। कैसा लग रहा है कि आपके भैया मतलब तीसरा स्थान लाए हैं बिहार दरोगा में? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भैया बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और सेल्फ स्टडी कर वो अच्छा बिहार में SI 1275 में तीसरा रैंक प्राप्त किए हैं। मैं भी उसी के उन्हीं की तरह मेहनत करेंगे और मैं भी सफलता पाऊंगा। मतलब भैया से मतलब काफी मोटिवेशन आप लोग को मिल रहा है? एकदम बहुत मिल रहा है, मैं भी उस पद पर आऊंगा और अच्छे अच्छे पद पर। तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं इस बार 12th का एग्जाम ही दूंगा 2025 में, इसके बाद फिर तैयारी। आगे आपका लक्ष्य है कि भैया के रास्ता पर चले? एकदम जरूर चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक और भाई हैं, आपको भी मेरे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। लग रहा है कि मतलब आपके भैया 1275 सीट में तीसरा स्थान ले आए? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका मेहनत रंग लाया, दिन रात एक कर देते थे। मेंस का एग्जाम का टाइम मुझे याद है कि सोने और खाने के अलावा जो भी टाइम रहता था बाकी सब पढ़ाई में ही लगा देते पूरा टाइम। साधारण परिवार से होते हुए 1275 सीट में तीसरा स्थान ले आए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पूरा ऑल बिहार में तीसरा रैंक, 8 लाख बच्चों में तीसरा रैंक। हमारे घर का बस एक ही स्लोगन है, नून रोटी खाएंगे लेकिन घर में सभी को पढ़ाएंगे। हाँ। बस यही, मम्मी पापा पूरे तरह से हम लोग को फ्री हैंड दे देते हैं कि आप लोग ना दुकान चढ़िए ना कोई काम करिए, बस आप पढ़ाई करिए। मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, कितना भी कष्ट होगा ये लोग सहलेंगे। सहलेंगे हम लोग का। चाचा जी बताएं भी कि आधा रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है एकदम। आपका भी जैसा सुन रहे हैं कि मतलब बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं, तो क्या मतलब भगवान से? देखिए रिजल्ट तो मतलब एग्जाम तो अच्छा गया है, बस रिजल्ट आ जाए और दौड़। हम भी भगवान से शुभकामना करें कि आगे आने वाले दिनों में इनको भी वर्दी में मतलब इंटरव्यू लें और छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि सभी को मतलब सफलता मिले। जी जरूर, थैंक यू सर। भैया से क्या मोटिवेशन मिलता है आप लोग? बस उनसे यही मोटिवेशन मिलता है कि वो कंटिन्यू रहते हैं, चाहे वो कोई किसी भी परिस्थिति हो, परिवार आए, घर में कोई काम हो, लेकिन उनका पढ़ाई नहीं रुकता था। भाई सब संघर्ष, मेनली रूप से संघर्ष और कंटिन्यूटी सबसे मेन चीज यही है। मेरे में क्या है कि मतलब हम थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा चूक गए इस बार 1275। कहीं कमी है जो मतलब आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चाचा जी से बात कर लेते हैं जाते जाते। अच्छा, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो मतलब शादी ब्याह को लेकर सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा दिया, नौकरी हो गया, मोटा मतलब दहेज देंगे। आप लोग ऐसा सोचते हैं दहेज के बारे में? जी नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, हम अच्छा परिवार सोचते हैं। हाँ, दहेज के पक्ष में कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। हमारा बाल बच्चा अच्छा परिवार मिलेगा उसे मैं शादी करूंगा। बेटा बेटी सब बराबर? हाँ सब बराबर है, परिवार अच्छा होना चाहिए। ऐसा कभी हमने घमंड किए हैं कि मेरा बेटा रैंक 3 ले आया या दरोगा बन गया? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं। जाते जाते सर से बात कर लेंगे, जो अभी नव नियुक्त दरोगा जो हुए हैं तीसरा स्थान लाए हैं, तो कैसा लग रहा है सर? आपके पापा मम्मी बहुत खुश हैं? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप ट्रेनिंग के लिए निकल रहे हैं सर, देखिए ट्रेनिंग के लिए निकलते निकलते यहाँ पर आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है इनको खुशी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब मेन तो यही होता है अपनों की खुशी, और उन्हें जब गर्व और खुशी मिलता है उससे बड़ा क्या हो सकता है। क्योंकि अपने परिवार के साथ है, पूरे जवार के मतलब की खुशी बने हैं और कहीं ना कहीं पूरे नालंदा जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। नालंदा जिला पहले से ही ज्ञान के धरती के रूप में जाना जा रहा है, उसको हम मतलब और मतलब अच्छी करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आगे क्या प्रयास रहेगा? आगे कुछ बस ऐसी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और ये लगे रहेंगे। देखिए देखिए इतने सीधे साधे लग रहे हैं, खैर ट्रेनिंग के बाद तो मतलब थोड़ा सा इनके अंदर भी आ भी जाएगा, थोड़ा सा जो पुलिस का रुतबा होता है, लेकिन अभी सर इतने सिंपल हैं, महसूस नहीं हो रहा कि हम दरोगा के साथ खड़े हैं, क्योंकि इतने सिंपल हैं और साधारण परिवार से आते भी हैं, और देख सकते हैं इनका परिवार भी काफी साधारण है। तो जो बच्चे डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि सर से सीखिए और उनके परिवार से सीखिए किस तरह से मतलब साधारण परिवार रहते हुए भी दरोगा बनाए। तो आगे जाते जाते क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो मतलब नहीं बच्चों को पढ़ा पाते? जो संघर्ष करेंगे, जो अच्छा से बाल बच्चा को शिक्षा देंगे, वो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। हाँ यही है, जैसे छोटे शहर से मतलब तीसरा स्थान आ सकते हैं, फर्स्ट स्थान आ सकते हैं। हाँ, जो मेहनत करेगा एकदम ऑटोमेटिक आएगा, कोई भी हो, इंसान हो, गरीब हो या अमीर हो, अच्छा से करेगा, अच्छा से पढ़ेगा, उसको आना ही है। जैसे मेरा बाल बच्चा किया, जो कि गरीबी से पला, अच्छा बला और बढ़िया से अथी किया, मेहनत किया, वो आज तीसरा रैंक प्राप्त किया। कल ये भी सपना है, आज सपना है कि मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा और आगे बढ़ेगा। ऐसा भी समय आया होगा चाचा जी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि परिवार के लोग भी ऐसे होते हैं कि अगर समय खराब चल रहा था थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा समय आया था नहीं? हाँ आता है, आता है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो कि गरीबी देख के थोड़ा सा नज़र झुका देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है,
सब कुछ मेंटल होता है, मतलब जीवन का। हाँ हाँ बस बस, उससे मतलब नहीं घबराना, नहीं घबराना नहीं चाहिए। हाँ सुख दुख में झेल रहे हैं तो एक दिन सुख भी झेलिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, सही बात है। जो त्याग करेगा वो आगे मतलब करेगा, जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा। ऐसे जाते जाते चाची से बात कर लेते हैं, शादी ब्याह के लेकर क्या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगन भी आ रहा है तो बहुत सारे लोग शादी ब्याह के लिए भी करेंगे। शादी ब्याह पहले तो लड़की है, लड़की के करके भी लड़का करेंगे, लड़की है उसके बाद करेंगे। मतलब आप लोग का साफ साफ कहना कि परिवार अच्छा होगा तो दहेज कोई मायने नहीं रखता। नहीं मायने नहीं रखता। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ मौजूद थे दीपक सर का परिवार थे, दीपक सर थे, महताब सर, प्रद्युमन यादव। जय हिंद।